तो आपको दो तरह का व्यायाम करा दिया। कितनी तरह का? पहले व्यायाम का क्या नाम था? दूसरा व्यायाम। अब तीसरा व्यायाम करवाते हैं, दंड बैठक। ठीक, लेकिन ये अभी ज्यादा नहीं करना, दो बार से ज्यादा। फिर आप जब 15-16 साल के हो जाएंगे ना, तो फिर आप 5-5, 10-10 बार कर सकते हैं। ठीक है, मात्रा भी होती है ना, किसकी? खाने की भी मात्रा होती है, पानी की भी मात्रा होती है। 3 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, और बहुत ज्यादा खाना भी, बहुत ज्यादा सोना भी, बहुत ज्यादा व्यायाम भी नहीं करना, और कम भी। इसलिए क्या बताया? बैलेंस। बैलेंस क्या बोला? बैलेंस। तो आपके लिए दो दो बारी, ठीक है? एक दो, एक दो, बस इतना ही बहुत है। ये एक तरह का हो, इससे क्या होगा? घुटने का व्यायाम होगा। अब और ज्यादा पैरों को सुंदर बनाना है ना, सबको लगता है ना मेरी पैर बहुत सुंदर बने, तो उसके लिए एक दो, दो ही बार करवाएंगे। एक दो, बस दो बार से ज्यादा नहीं करना, कम उम्र में ज्यादा नहीं करना। हाँ, 15-16 साल के जब हो जाएंगे तब 5-5, 10-10 बार करवाएंगे। ठीक है, अब तीसरा, दोनों हाथ सामने, नीचे जाएंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे ऊपर, यही श्वास लेंगे, यही छोड़ेंगे। एक श्वास में एक अभ्यास। क्या बोला? श्वास अंदर, ऊपर श्वास बाहर, दोनों हाथ ऐसे 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 लाओ ऐसे, और फिर नीचे। कितने हो गए? 3। अब चौथा अभ्यास, एक छलांग लगाएंगे, आगे जाएंगे। एक दो, एक छलांग लगाएंगे, आगे जाएंगे, दोनों हाथ कंधों को बराबर। एक दो, ऐसे, बस ज्यादा नहीं करना, दो बार से ज्यादा। कितने हो गए? 4। पांचवा, 1, 2, 3, 4। 3 बार बैठना है नीचे, 1, 2, 3, 4। अब इसमें कुछ कैसे करें? कुछ ऐसे कर रहे, इतना नहीं, इतना, 1, 2, 3, 4। पूरा बैठना है, रिलैक्स, बस बस ज्यादा नहीं करो। अब कितने हो गए? 5, 6, 7, 8। इसका नाम ही है हनुमान बैठक। ये बैठक करवा रहे हैं अभी। पैर पार्श्व भागों, दोनों हाथ सामने, ये हनुमान बैठक भी दो दो बार करेंगे। बोले बजरंग बली की, हनुमान जी महाराज की। बैठो, दूसरा पैर सीधा, हनुमान जी की तरह बनना आपको। फिर सीधे सीधे उठो, बीच में पूरे, फिर दूसरी तरफ, 1, 2, 1, 2। सबको बलवान बनना है, कैसे बनना है बोलो? सबको बलवान, प्रज्ञावान, महान। पहले पैर पर बैठ, फिर दूसरी ओर से, और कैसे करना है? प्रसन्नता पूर्वक, कैसे करना है बोलो? श्वास अंदर, जैसा गुरु आदेश दे वो काम हम करें, जैसा गुरु आदेश दे वो काम हम करें, उनके सिखाए ज्ञान का गुणगान हम करें। वो काम हम करें, जैसा गुरु आदेश दे वो काम हम करें, उनके
सिखाए ज्ञान का गुणगान हम करें, उनके सिखाए ज्ञान का गुणगान हम करें। बैठ जाओ, अभी इतना बैलेंस बनने में थोड़ा वक्त लगेगा, बैठ जाओ। तो बैठ करके अभी अगला व्यायाम करना है, अभी करवाए बैठा। क्या करवाया आपको? कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। अब 12 प्रकार के दंड करवाएंगे। क्या नाम है इनका? ये देखो बैठने की स्थिति है, जो घुटने हैं कोनियों के बाहर ऐसे, ठीक है ना? आप पैर पीछे चले जाएंगे, जाए जहां भी गुरु का संदेश दे सके। फिर तीसरा। जाए जहां भी गुरु का संदेश दे सके, जाए जहां भी गुरु का संदेश दे सके, धीरे धीरे नीचे जाना, संदेश दे सके, धीरे धीरे संदेश दे सके, गुरु की रहमतों का यशोगान हम करें, गुरु की रहमतों का यशोगान हम करें, उनके सिखाए ज्ञान का गुणगान हम करें, उनके सिखाए ज्ञान का सम्मान हम करें। अब अगला 4 हो गए। बार करवा रहा हूं, पीछे पैर सीधे रहने से पैर मुड़ने नीचे। मेथड ड्राई, ऐसे गया। पैर ऊपर से घुमा के लाते। अब अगला, ये तो वृश्चिक धड़ था, पार्षद। धारण करें गुणों को बुराई से दूर हो, धारण करें गुणों को बुराई से दूर हो, बुराई से दूर हो, बुराई से दूर हो, बन के सहारा गिरतों का कल्याण हम करें, बनके सहारा गिरतों का कल्याण हम करें, उनके सिखाए ज्ञान का गुणगान हम करें, उनके सिखाए। सामने से पैर आया, ऐसे झुक गए, फिर उसे उठ गए, सामने से पैर आएगा। जैसा गुरु आदेश दे वो काम हम करें, जैसा गुरु आदेश वो काम हम करें, उनके सिखाए ज्ञान का गुणगान हम करें। और सुनो, सीधे बैठो, जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे ही कर रहे हो, ऐसे ही करना है। अभी तो भाई आपको भजन भी सुना रहे हैं ना, गुरु के सिखाए ज्ञान का सम्मान हम करें, जैसे गुरु कहे वैसे काम हम करें। तो अभी तो चक्रदंड करवाई थी आपको, अब और कठिन दंड है, ऐसे साधन दंड लगाई, ऐसे उठ गए, ये पलटी मार, पलट ऐसे। Thank you.
बनेगी, धीरे धीरे बन गई, बन गई, ठीक है। ये पलट दंड थी, क्या है ये? अब लगाएंगे शेर दंड। बोलो भारत माता की जय। तो उठा दो ऐसे और ये गिरना मत, बैलेंस बनाना, क्या करना है बैलेंस। कोई बुरा करे तो करे, हम भला करें। कोई बुरा करे तो करे, हम भला करें, हम भला करें, हम भला करें। दिल से सभी का आदर सम्मान हम करें, दिल से गुरु का आदर सम्मान हम करें, उनके सिखाए ज्ञान का गुणगान। अब दो बच गए, दस हो गए, सर्पदंड फिर निश्चयदंड। दिल से गुरु का आदर सम्मान हम करें, दिल से गुरु का आदर सम्मान हम करें, उनके गुणों का गुणगान हम करें, उनके सिखाए ज्ञान का गुणगान हम करें। जैसा गुरु आदेश दे, जैसा गुरु आदेश दे, जैसा गुरु आदेश दे वो काम हम करें, उनके सिखाए ज्ञान का सम्मान हम करें, उनके सिखाए ज्ञान का गुणगान हम करें, उनके सिखाए ज्ञान का सम्मान हम करें, गुणगान हम करें, सम्मान हम करें, ध्यान हम करें। अब बताओ जो ऐसे कर लेगा वो कमजोर रहेगा? तो सबको क्या बनना है? बलवान। ये अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करने से पूरे शरीर का हो गया पूरा व्यायाम। पसीना भी आया ना? नहीं है? किसी किसी को आया, किसी किसी को नहीं आया। पूरा करने पर पूरा पसीना आएगा? अभी तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही करवाया है। तीन तरह के व्यायाम हो गए, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार और दंड बैठक। दंड और बैठक दो मानो तो चार हो गए। पैर सीधे, अब करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। क्या करेंगे? लाइट एक्सरसाइज। क्या करेंगे? तो ये सब कर सकते। देखो, अंगूठे को आगे दबाया, पीछे दबाया, फिर पूरे पंजे को, ये भी तो जरूरी है, नहीं तो जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं ना। आगे पीछे, फिर गोल गोल घुमा दो ऐसे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, है ना? अच्छा है ना? फिर ऐसे ऐसे घुटने को हिला दिया, घुटने का हो गया, फिर ऐसे, क्या हो गया ये? चक्की संचालन, चक्की आसन हो गया। ऐसे कोने सीधे रहे, कोने मोड़ने नहीं चाहिए, आगे पूरा, पीछे भी पूरा। ये बहुत अच्छा है पेट के लिए और पीठ के लिए। पीछे भी पूरा जाना ऐसे, और पैर नहीं उठाना सामने से, कुछ पीछे जाते तो पैर उठ जाते, ये नहीं होना। तो इससे पेट का और पीठ का पूरा व्यायाम, दोनों हाथ पार्श्व भागों में स्थित कोण आसन। देखो सूक्ष्म तो है लेकिन व्यायाम पूरा हो रहा है। फिर दोनों पैरों को दलमों से मिला लिया, फिर ऐसे कर लेंगे, अच्छा है ना? बटरफ्लाई भी, तितली आसन करो,
तितली उड़ती है तो कितनी अच्छी लगती है ना। किसी किसी की तितली उड़ी नहीं रही है, ऐसे ऊपर ऊपर ही रह रही है, नीचे तक ऐसे। दोनों पैरों को तलवों से मिलाओ बेटा, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना है, हाथ ऐसे मिलाओ। क्या बोला? राइट मेथड, जैसे अपने माता पिता गुरुजन बड़े हमें सिखाते हैं बताते हैं वैसे ही हमें करना चाहिए, सीखना चाहिए। ये तो पैरों के हो गए, अब हाथों के, हाथों की सूक्ष्म है ये, अंगुलियों के लिए हो गया, अंगूठों के लिए, फिर और दूसरा ऐसे अंगूठा अंदर अंगुलियों पर ऐसे। फिर गोल गोल घुमा देना ऐसे, करो घुमाओ। और लंबे लंबे सांस लो, लंबे लंबे सांस छोड़ो। कुछ तो बीच में रुक जाते हैं। अब अगला अभ्यास, दोनों हाथ की अंगुलियां, दोनों हाथों की अंगुलियां अंगूठे कंधों पर, दोनों कोनिया सामने ऐसे घुमाए। फिर दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से किया, फिर दोनों हाथों पर। अलग अलग तरह का व्यायाम क्यों कराते हैं? इससे पूरे शरीर का पूरा व्यायाम होता है। एक तरह का करने से एक तरह का व्यायाम होता है। हमें करना है पूरे शरीर का पूरा व्यायाम। और मैंने आपको उदाहरण दिया था खाने का, फूड का और स्टडी का। एक तरह की पढ़ाई करने से एक तरह का ज्ञान होगा, एक तरह का खाना खाने से एक तरह का पोषण मिलेगा, और कई तरह का खाना खाने से पूरे शरीर को पूरा पोषण मिलेगा। दोनों हाथ की उंगलियों कर लेंगे। फिर उसमें एक बात और है, पेप्सी कोका कोला थम्स अप बियर दारू पीनी चाहिए क्या? क्यों? उससे शरीर की हानि होती है। तंबाकू खानी चाहिए क्या? कभी नहीं। क्यों? उससे हानि होती है। सबसे बड़ी हानि क्या होती है? कैंसर हो जाता है। ऐसे हाथ उठाते हैं, क्या एक दिन में ही हो जाता है क्या? कितने दिन में? कई सालों में होता है। ठीक है, तो फिर एक बार खाने से नहीं होता तो क्या खा लेनी चाहिए? एक बार खाने से हानि नहीं होती तो क्या खा लेनी चाहिए? उससे लाभ कुछ भी नहीं होता ना। लाभ होता हो तो एक बार खा लो, लेकिन कोई लाभ, एक बार खाने से भी हानि होती है। क्या हानि होती है? एक बार खाने से भी, हाँ, सबसे बड़ी हानि तो उसको बार बार खाने की फिर इच्छा होती है, आदत पड़ जाती है। इसलिए गलत काम एक बार भी और सही काम बार बार, क्योंकि बार बार उसकी प्रैक्टिस करने से उसकी आदत पड़ जाएगी, और अच्छी आदत पड़नी चाहिए और बुरी आदत
छोड़नी चाहिए। अच्छी आदत तो करो, योग तो कर लो। कुछ अभी भी बुरी आदत करने में लगे हैं, कुछ पीटने पाटने में लगे हैं, ऐसे ऐसे नहीं। दोनों हाथ अब घुटनों पर। देखो, हमारी गलत आदत नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग, बच्चों की क्या आदत है, बैठे बैठे और कुछ नहीं तो पेन उठा लेंगे, पुस्तक की पिटाई करते रहेंगे, है? अपने ही पिटाई करते रहेंगे ऐसे। हाँ, जो काम जिस समय करना है उस समय वही काम, व्यायाम के समय व्यायाम, पढ़ाई के समय पढ़ाई, सोने के समय सोना, हवन के समय हवन, जो जिस समय कर रहे हैं पूरा ध्यान उस काम में लगाना चाहिए। इसी को बोलते हैं हर काम को एकाग्रता से, लगन से करना चाहिए। हर काम को कैसे करना चाहिए? एकाग्रता से, लगन से करना चाहिए, निष्ठा पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए। अब कुछ व्यायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, काम करते हैं तो खुश रहते हैं, और कुछ कुछ ऐसे देखो ना, ऐसे मुंह भी बिगाड़ लेते हैं। ऐसे मुंह नहीं बिगाड़ना, कुछ तो जब देखो तभी मुंह बिगाड़ लेते हैं। माता पिता बोलते, गुरुजी बोलते, पढ़ाई कर ले, हर समय ऐसे ऐसे करते रहते हैं। ऐसे मुंह बिगाड़ना, तो सूक्ष्म व्यायाम आपका हो गया, है ना, गर्दन का भी हो गया, है ना, कंधों का भी हो गया पूरा, ऐसे फिर आंखों का भी हो जाता है। आंख को भी गोल गोल घुमा लेते, देखो आंख ऐसे, गर्दन सीधी और आंख को ऐसे गोल गोल घुमा दिया, नीचे ऊपर दाएं बाएं पूरी गोलाई में ऐसे आंख को घुमा देते, तो सूक्ष्म व्यायाम पूरा हो गया। व्यायाम का कोर्स पूरा, अब आसन का कोर्स बचा, फिर प्राणायाम और ध्यान। देखो कुछ बुरी आदतें, बुरी आदतें तो बहुत होती हैं। कुछ ना बैठे बैठे ऐसे सिर पीटते रहेंगे, कुछ बैठे बैठे ऐसे सिर खुजाते रहेंगे, कुछ नाक में हाथ डाल के ऐसे पूरा घुमा देते, फिर कुछ कान में हाथ डाल के जोर से घुमाते ऐसे, फिर कुछ मुंह में दांत ऐसे ये नाखून डाल के काटते रहते, ऐसे काटते रहते, फिर कुछ ऐसे ऐसे बैठे बैठे कहीं कहीं खुजाते रहेंगे, फिर कुछ बैठे बैठे कुछ किताब फाड़ते रहेंगे कुछ अंदर से, फिर कुछ ऐसे बैठे बैठे अजीब अजीब हरकतें करते हैं। अभी बैठने के लिए बोला है तो सब बैठो, और कैसे बैठो? सीधे बैठो। हाँ देखो, जो बचपन में नहीं सुधरेंगे वो कभी भी नहीं सुधरेंगे। तो इसलिए अब कुछ बैठे बैठे ना, मैंने देखा आप ऐसे बैठे हुए और क्या करते हैं, ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे, वो इतनी जोर जोर से हिलाते हैं, कुछ कुर्सी पर बैठे बैठे हिलाते हैं ऐसे, फिर कुछ बोलते इसमें थूक निकालते हैं ऐसे, बोलते हैं तो उनके से थूक निकलता रहता है, पता नहीं कैसे बोलते हैं। कुछ खाते समय ऐसे करेंगे, हाँ कुछ मुंह ऐसे खाते समय मुंह ऐसे खोल खोल के खाएंगे, खाते समय एक बार मुंह में ग्रास डालते हैं उस समय तो मुंह खुला, फिर बाद में ऐसे ऐसे खाना चाहिए। कुछ बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, और कुछ इतने धीमे खाते हैं, इतने धीमे खाते हैं, ज्यादा धीमे खाना भी नहीं, मध्यम गति सा, माने एक ग्रास को कहते 32 बार चबाना चाहिए, कितनी बार? 32 बार ऐसे खा ली। खाने का भी 32 टाइम्स, खाने का भी तरीका होता है, बैठने का भी तरीका होता है, बात करने का भी तरीका होता है। बहुत धीरे भी नहीं बोलना चाहिए, बहुत जोर से भी नहीं बोलना चाहिए। चलने का भी तरीका होता है, चल ऐसे देखने का, उठने का, बैठने का, सोने का, यही तो सिखाते हैं आपको, यही तो संस्कार हैं। सोचने का भी तरीका होता है, पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव देखना है, नेगेटिव नहीं देखना, पॉजिटिव सुनना है, नेगेटिव नहीं सुनना, पॉजिटिव काम करना है, नेगेटिव डिस्ट्रैक्टिव काम नहीं करना, छोटी छोटी बातें, और इसी से जीवन अच्छा
बनता है, और बुरे छोटी छोटी बातें बुरी बुरी करते हैं तो जीवन बुरा बन जाता है। तो अभी आपको बहुत जरूरी बात भी बता रहे हैं और आसन करवाएंगे। अभी कम से कम कितने आसन मैंने बताए थे? 5 आसन। तो चलो जो कर सकते हैं वो पहले शीर्षासन कर लेंगे, जो शीर्षासन नहीं कर पाते वो सर्वांग आसन कर लेंगे। ये दोनों आसन बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। ये दिमाग के लिए, ब्रेन के लिए, आई साइट के लिए, आंखों के लिए, बालों के लिए, दीर्घ यौवन के लिए, ताकत के लिए, शक्ति के लिए, हमारे आचार्य कुलम के तो सब बेटे बेटियां बहुत अच्छा कर लेते हैं क्योंकि रोज करते हैं। आप में से भी बहुत बच्चों को करना आ गया है, बाकी पहले दीवार के साथ करेंगे। तो अब चलो अगला कर लो, ये तो सभी कर लेते हैं ना, सर्वांगासन ऐसे कर लीजिए, पैर उठाइए, एड़ी पास में, अंगूठा पास में, पंजे सीधे, घुटने सीधे। घुटने सीधे, पंजे सीधे, कोहनियों, कंधों, सिर पर शरीर के भार को संतुलित करते हैं। फिर पैर सिर की तरफ थोड़ी झुकाते, फिर सीधे ले आते, सर्वांगासन हो गया। अब हलासन, पैर पीछे टिका देंगे, बहुत जरूरी है। आपको लाभ भी बताए इनके शरीर के संपूर्ण विकास के लिए। हाथ जमीन पर, हथेले जमीन पर, पैर पीछे, ये हो गया। क्या नाम है बोलो आसन का नाम? हलासन। अब क्या करना है? चक्रासन। बीच उठा दो ऐसे, लेट के भी कर सकते हैं और खड़े होकर के भी कर सकते हैं, जैसे हमारे आचार्य कुलम के बच्चे। करो खड़े होके करो ऐसे, बहुत अच्छे से किया। फिर वापस आ जाएंगे, देखो ऐसे ऐसे ही वापस आ गए। आप में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये तो वो आगे पीछे छलांग कौन लगा लेता, ऐसे भी जाओ ऐसे भी आओ, सभी करो। तो एक बार देखो, ऐसे किया, फिर वापस, फिर से करो ये, फिर वापस आ जाओ ये, फिर से एक बार ये, फिर वापस ये, ऐसे करना। बहुत अच्छा किया सभी ने। तो बच्चों में एनर्जी तो होनी चाहिए ना। चलो पैर सीधे, दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाएंगे, आगे झुक जाएंगे, माथा घुटनों से लगाएंगे, पश्चिम लगा, कुछ तो करो, ओन लगो ऐसे, देखो नीचे, ये हो गया पश्चिमोत्तानासन। क्या हो गया ये? फिर एकाग्रता बढ़ाने के लिए आपको खड़े होकर के भी कराए थे ना, गरुड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, ताड़ासन आदि। फिर और भी बहुत से आसन हैं, वो जितने जितने हो पाए उतने कर ले।